जय बाबा, जय बाबा। हम लोग अभी गॉड स्पीक्स का चैप्टर नंबर 3 पे आए थे। 2 चैप्टर अपने हो गए, 1 और 2, और तीसरा चैप्टर जो है उसके ऊपर में आज का एक ही वार्ता है, उसकी एक ही लेक्चर है, छोटा सा है। उसके बाद में फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। पर ये जो चैप्टर जो है, ये पिछला जो चैप्टर था 2 का, उसका सारांश है और कुछ ऐड किया है बाबा ने उसके अंदर में। तो इसमें विभिन्न जो जगत है, जैसे पाषाण और धातु, वनस्पति, ये सब जितने भी है, इसके अंदर में जितने भी आत्माएं है, वो किसी भी फॉर्म में हो, दगड़ फॉर्म में हो या कुछ भी हो, तो उनका अपना विशेष महत्व क्या है, क्या विशेष लक्षण है उनके, वो किन परिस्थितियों के, जैसे हम लोग अपना जीवन गुजारते हैं तो वो कैसे गुजारते होंगे, इसके बारे में बाबा ने बताया है नंबर 3 के अंदर में। और जो सद्गुरु थे रूमी, उन्होंने ये कहा है कि ये उच्चगामी आत्मा जो है, यह आत्मा कैसे सफ़र करता है, इसके बावजूद भी वो अनेक बार बॉडी ड्रॉप करता है। पर वो कहते हैं कि मैं खनिज रूप में जब भी था, तब मैंने वो अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब मैं मर गया, और मैंने वो दूसरा जो है वनस्पति रूप धारण कर लिया, पौधा मैं बन गया। तो पौधे के रूप में जब भी मैं आया, तो उसके बाद फिर से मैंने अपना शरीर छोड़ा, और उस वो जो ये उसके अंदर में भी मैंने अपना बॉडी ड्रॉप किया, मैं मर गया, तो मैं पशु बन गया। ऐसा होते होते पशु रूप से फिर मैं मानव रूप में आया। तो कहते हैं कि ये मरने से जो है, इसमें मेरा क्या नुकसान हो गया। वो लास्ट टाइम एक घटना बताई थी भगवान श्री कृष्ण युग के अंदर में, नारद को ये प्रश्न हो गया था कि मैं इनके साथ में इतने सालों से हूँ और मेरे में तो साला कोई बदल ही है ही नहीं है, मैं जैसे के वैसे ही हूँ, पहले नारद था वैसे ही नारद हूँ, कुछ चेंज तो है ही नहीं मेरे में। तो वो कहानी आपको बताई थी, वो मालूम है आप लोगों को। तो जैसे वो नारद साहब जो थे, उनके नारद जो थे, उनकी इसमें कितनी शक्ति थी कि कैसे कैसे वो जो आत्मा जो है वो आगे आगे बढ़ते गया, जैसे ही इनकी नज़र गिरती थी उसको आगे आगे उसका चेतना का विकास होता था और वो मानव रूप में आया, और उसके बाद में वो इमीडिएटली परमात्मा से एक रूप हो गया, या उसको 1400 लक्सी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बोलता है कि ये मरना, मैं क्यों मरूँ, मरने से मेरा क्या रास हो गया, मेरे में क्या कमी आ गई, या मेरा क्या नुकसान हो गया मरने से। ऑन द कॉन्ट्री, मरने से मेरी चेतना कॉन्शियसनेस जो है वो तो बढ़ती गई ना, तो फिर काय के लिए डरने का उसको। तो तथापि फिर भी मनुष्य रूप के अंदर में मुझे एक बार मरना है, और मुझे वो भाग्यशाली जो लोग हैं, जो देवी देवता जो है, जो फरिश्ते जो है, उनके वहाँ तक उड़ी मारने के लिए, ऊंचाई तक जाने के लिए मुझे मानव रूप भी छोड़ना ही है, आज ना कल। ये सद्गुरु रूमी जो है, उन्होंने ये बताया है कि कैसे हम अपने आगे, जब भी जैसे चेतना का विकास होता है तो हम कैसे आगे आगे बढ़ते हैं और क्यों बढ़ते हैं। गॉड स्पीक्स में कोई आध्यात्मिक नहीं है, गॉड स्पीक्स ये बताता है कि आप कौन हो, किधर से आए हो, और आपको किधर जाना है, और आपकी चेतना का विकास कैसे होता है मानव रूप में आने के बाद में, और क्या क्या घटनाएं होती है, ये सारा का सारा वर्णन उन्होंने वहाँ गॉड स्पीक्स में दिया हुआ है, जिससे हमारी आंखें खुलती है कि हम एक ही पकड़ के बैठते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं, हमको ये मालूम ही नहीं कि हम कौन है और किधर से आए, हमको नहीं मालूम। तो वह बोलते हैं ऐसे नहीं है, आपको जानना पड़ेगा, क्यों, आज का युग है और पुराने जो युग थे उसमें काफ़ी अंतर है, और इसीलिए मैं उन भाग्यशाली फरिश्तों के सर का मैं उड़ना चाहता हूँ, और मुझे और ऊपर और ऊपर जाना है, वो जो स्टेट है देवी देवताओं की, उससे भी ऊपर मुझे जाना है, वो भी मुझे छोड़ना है। हम सब लोगों ने वो स्टेट छोड़ के हम लोग मानव बन गए,
वो स्टेट के अंदर में देवी देवताओं का जो स्टेट है, देवदूत का जो स्टेट है, उसके अंदर में उन्हें आत्म साक्षात्कार मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है, पर मानव को 100% है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी रीइंकार्नेशन और इवोल्यूशन प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं, और हमने वो स्टेट जो है वो हमने छोड़ दी। वहाँ पे आनंद ही आनंद है, वहाँ दुख कुछ नहीं है, वो सब आनंद ही आनंद है, फिर भी वो हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि इसलिए कि मुझे ईश्वर के सिवा, ईश्वर के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ईश्वर के सिवा, ये परमात्मा की स्टेट है, और बाकी ये जितना भी ये निकाला है डायग्राम, ये सर्व माया और भ्रम का जाल है। हम अभी भी भ्रम के अंदर में हैं। थोड़ा सा हमने तीर्थ यात्रा की तो हमको लगता है कि कितना पुण्य हम लोगों ने कर लिया। बराबर है, पुण्य मिलता है उससे, वो पुण्य मिलता है, मतलब हमको अच्छे और बुरे संस्कार जो है, तो अच्छे संस्कार अगर हमने किए, पुण्य बढ़ किया, तो हमको उसका फल भी मिलता है, अगले जन्म में हमको अच्छा अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, वो बट ठीक है। पर मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो फिर वो कहते हैं कि जब मैं अपने देव का या देवत्व का मैं त्याग कर दूंगा, तो मैं वह बन जाऊंगा कि जो मेरा मन जो है वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो कौन सी कल्पना नहीं कर सकता है? ये कल्पना नहीं कर सकता है कि हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम ये पुनर्जन्म की प्रोसेस से होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, भूमिका नंबर 7वीं जो शिवात्मा की स्टेट है, कि जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जैसे सभी सद्गुरु या जिनको मोक्ष मिलते हैं वो अनंत है, वैसे हम भी अनंत है। इसकी खोज हम नहीं करते, पर जब अवतार आते हैं तो वो बार बार जो भी उनके सर्कल में होंगे या संबंध में आते होंगे, या सभी सद्गुरु ने और अवतारों ने इन सबको यही बताया है कि तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ जाना है। और इसीलिए कि जिसकी कल्पना मन ने कभी की नहीं थी, हमने कभी नहीं कल्पना की, नारद मुनि जो थे उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी एक नज़र से किसी आदमी को आत्म साक्षात्कार या मोक्ष मिल जाएगा। कभी सोचा था उन्होंने? नहीं सोचा था। क्यों? कि परमात्मा ने उसको विथोल्ड करके रखा था, वो नहीं बताया उनको। पर आप कभी कभी ऐसे होता है, और मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारी योग्यता है 12th standard की और हम पढ़ाई कर रहे 4th standard की, ऐसा होता है, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि आगे वाला जो महाराज है जिसके हम जाते हैं, क्योंकि वो तो 5वीं class है, वो हमको 12वीं का क्या सिखाएगा। इसीलिए बावलते कभी भी किसी के पास में जा, डू नॉट फॉलो मी, मतलब मेरे बाबा ब्लाइंडली, कौन है क्या नहीं है इसका ये करो, सोचो क्यों मिस क्यों 5 सदगुरु अवतार मेहर बाबा को अवतार क्यों कहते हैं, इसका मतलब कुछ होगा तभी तो कहते हैं ना, कि कैसे कहेंगे फिर। और इसीलिए तो फिर कहते हैं कि वो मेरा अस्तित्व रहे या नहीं रहे, अस्तित्व ना रहे कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जो अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व जो है ये फॉल्स है। पर मैं उस अनास्तित्व स्थिति जो है मेरी, हम लोग प्रार्थना में देते ना कि तुम्हारा कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये वो स्थिति है। कौन सी है ये? वो स्थिति के अंदर में मैं मुखरित स्वर से मैं घोषित करता हूँ। ये यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो जब ही सद्गुरु का या किसी का जो रूप हमारा मिलेगा, उसमें जो कहा जाता है सद्गुरु के द्वारा, वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कि हम लोग फिर से लौट के आएंगे, क्योंकि हमें उनके पास जाना है। कहाँ जाना है? परमात्मा के पास में जाना है। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं कि तुम मुझे बार बार इस धरती पे भेजो, काहे के लिए? आपके गुणगान गाने के लिए। बराबर है। तो ये जो सदगुरु है, सूफी पंथ के सदगुरु है रूमी, जैसे अपने यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज है, अपने तुकाराम महाराज है, उसी प्रकार से हम लौट कर उसी के पास फिर से आएंगे। हमने अपना प्रवास यहाँ से शुरू किया, यहाँ पुनर्जन्म की प्रोसेस से होते हुए हम लोग फिर से हम लोग उसी स्टेट में गए जहाँ पे परमात्मा का निवास है। हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें भी मालूम पड़ेगा कि हमने जितना भी त्याग किया है वो कोई त्याग व्याग नहीं था, वो हमारे को परमात्मा की अपनी देन थी।
यह उसका प्यार था हमारे साथ कि जिसके वजह से हम त्याग, सेवा, प्रेम, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे जो गुण है ये हमको उसकी दया से हम वो मिले हुए हैं, क्योंकि उसकी नज़र युगों युगों से हमारे ऊपर में है। आपकी रहे कि नहीं उसके ऊपर में उसको कोई चिंता नहीं है, पर उसको ज़्यादा चिंता है कि ये मेरे प्रेमी हैं। इसीलिए ये जो स्थिति नंबर तीन नंबर का जो चैप्टर है उसके अंदर में ये अनेक प्रकार की ये जो स्थितियाँ जो है उसके बारे में बोलते हैं। बाबा ये कहते हैं कि विभिन्न जगतों के ये विशेष लक्षण क्या होते हैं। तो मनुष्य योनि के अंदर हम लोग मनुष्य चेतना का पूर्ण विकास हो गया, यहाँ मानव रूप में हम लोग ये जीवात्मा हो गए, हमारी चेतना यह परिपूर्ण चेतना है और हम सेवंथ स्टेट में आए। ये स्टेट और वो स्टेट अलग है, यहाँ योनि का और विकास नहीं होगा। ये जगत जो है सातों जगत जो है वो ख़त्म हो गए, सब खत्म हो गए, वहाँ एंड हो गया। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 7 बार छलांग मारनी पड़ती है, मतलब 7 बार हम लोग उड़ी मारते हैं। पहली उड़ी पाषाण योनि से धातु योनि में फर्स्ट जंप है, यहाँ से या सेकंड जंप आई, पर कृमि में थर्ड जंप, मत्स्य में फोर्थ, पंछी में फिफ्थ, पशु में सिक्स्थ और मानव में 7। और इसीलिए कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर में परमात्मा ने यह सृष्टि का निर्माण किया। 7 दिन में सृष्टि तो निर्माण होती नहीं है, पर फिर भी हम लोग बैठे हैं कि वो जीजस ने कहा था बराबर, उन्होंने जो कहा था वो ठीक कहा था, पर 7 आंकड़ा जो उन्होंने बताया उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम निराकार रूप से मानव रूप में 7 स्टेजेस में हम आए। पुनर्जन्म की प्रोसेस से जब भी हम यहाँ ऊपर जाते हैं तो 7 स्टेजेस से पास होने के बाद में हम वहाँ पे ऊपर में जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ आने तक यहाँ से और 7th स्टेज है, वो मैंने दिखाई नहीं है क्योंकि अपने को जरूरत नहीं थी, इसलिए दिखाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि 7 आंकड़ा जो है वो सद्गुरु और अवतारों के पास में उसको ज़्यादा महत्व रखते हैं वो लोग। और इसीलिए ये विभिन्न विभिन्न जो विशेषताएँ जो है उसका बारे में बाबा बताते हुए शॉर्ट में मुझे बताया, मुझे डिटेल नहीं बताया, छोटे में बताया कि अन्न भुवन के अंदर में ये पाषाण योनि जो है या धातु योनि जो है, आत्मा अपने अन्न भुवन के अपने मूल अनुभव वह प्राप्त करती है इस योनि में आने के बाद में अन्न भुवन के अंदर। अभी पर ये पाषाण योनि और ये धातु योनि जो है वो कैसे है? बाबा कहते हैं कि इसमें हेवीनेस है, जड़ है, वो यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकते, एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते, इसलिए कि उनके अंदर में जो शक्ति है, जो पावर जो है, जो एनर्जी जो है, वो एनर्जी और वो फॉर्म जो है मानव रूप का, वो फॉर्म वो उसके अंदर में वो लुप्त है, डॉर्मेंट स्टेट में है, मतलब एनर्जी और वो जो रूप जो है वो बाहर नहीं आया अभी तक, मानव का रूप नहीं आया। और ये जीवन और प्राण शक्ति जो है वो प्रसुप्त स्टेट के अंदर में है, इसीलिए ये दोनों भाग जो है वो जड़ मानी जाती है, जाती देर उसे नहीं जाती, क्योंकि उसमें ना सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट हुआ ना उसमें मनो शरीर का डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए वो उसी स्टेट में है। बच्चा जब भी जन्म में आता है तो वो पहले उस स्टेट में रहता है जिसको दगड़ की योनि में उसको बिलियंस ऑफ ईयर्स उस आत्मा ने उस योनि के अंदर में वो अनुभव आया उसको, इसलिए बच्चा जब भी आता है तो रोता होता नहीं है, भूख लगती तो रोता है, नहीं तो वैसे ही पड़े रहता है 15 दिन 20 दिन ये दिन। वो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि पहली जो स्टेट है, प्रथम स्थिति जो है वो है दगड़ की, पर वही बच्चा थोड़े दिन के बाद में बैठने को लगता है, वही फिर दूसरे बाद में खड़े रहने को लगता है कि नहीं? तो वैसे धीरे धीरे जैसी उसकी प्रगति होती है तो वो ये फुल फॉर्म के अंदर में आता है।
और ये फुल फॉर्म ही अत्यंत महत्व का है कि जिसके द्वारा हम परमात्मा तक कॉन्शियसली हम पहुंच सकते हैं, और इसीलिए उसको स्वैच्छिक गति प्राप्त नहीं होती है। स्वैच्छिक गति मतलब वो खुद हो के कहीं जाता नहीं है, पेड़ है वो खुद हो के नहीं जाता है, वो एक जगह के ऊपर में उसको रूटेड करके रखा हुआ है, वो समुन्दर के बेस के ऊपर में भी है, पृथ्वी पे भी है, और पूरे जो हिल्स है, जो पहाड़ जो है उसमें भी वो है। तो इसीलिए वह कभी भी खड़ी अथवा लंब रूप से खड़े आसन के द्वारा स्थापित करने का वो प्रयास भी करे तो भी वो नहीं होता है, वो उसी स्टेट में रहता है, खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर में जो दो शरीर है वो जब तक धीरे धीरे डेवलप नहीं होंगे तब तक वो वैसे ही रहेगा। और वो बच्चे का उदाहरण बाबा ने दिया हुआ है, पूरा समझा के बताया कि कैसे ये आत्मा जो है, वो बच्चा जो है, उसको कैसे मालूम कि अपने को खड़ा रहना है, उसको कौन बताता है? कोई नहीं बताता, पर उसको ये, क्योंकि वो जो सोल है, जो आत्मा जो है, वो इस परिस्थिति से, उसने ये स्टेट जो है इसमें से वो गया है, इसीलिए उसको याद है कि अपने को खड़ा रहना है। और इसीलिए वो पहले हाथ पैर मालेगा, ये करेगा, इधर से उधर पलटी पुलटी करेगा, नहीं क्या? ये मस ये कृमि योनि के अंदर में वो जो कीड़े मकोड़े कैसे रहते, इधर पलटी पुलटी करते, वो थोड़े इधर जाते थोड़े इधर जाते, ये मैंने डिटेल समझाया था लास्ट टाइम आप लोगों को, अभी उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बताया, शॉर्ट में बता के इसको आगे चलते हैं। तो इसीलिए स्थूल जगत में वो अपने आप को स्थूल जगत के अंदर में वो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है वो आत्मा। वो आत्मा कौन सा है? वो आत्मा जो है वो पाषाण और धातुओं की चेतना धारण किया हुआ आत्मा है। वो सोल जो है उसको पाषाण और धातु जो है, पाषाण धातु जो है उसकी चेतना प्राप्त है, वहाँ तक वो आया, आगे यहाँ तो रुकेगा नहीं। क्यों? कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हर आदमी के अंदर में वो लहर है, और वो लहर है ये जानने की कि मैं कौन हूँ, और वो लहर जो है वो काम कर रही है पूरे यूनिवर्स में, वो लहर काम करती है सारे ब्रह्मांड में जितने भी होंगे, ऊपर नीचे जितने भी। अभी नेक्स्ट हम आते हैं वनस्पति योनि के अंदर में, और इस योनि के अंदर, इस वनस्पति जगत के अंदर में चेतना जो है वो आधी सचिव है। पहले इसमें तो चेतना पूरा, उसमें तो चेतना है ही नहीं है, पर आगे के इसमें चेतना जो है वो आधी सजीव है और आधी को अनुभव नहीं है, जड़ है और जड़ रूप में है, और आधी जो है वो सजीव है, आधी निर्जीव है, इसी प्रकार से। और इस प्रकार से ये योनि के अंदर में वह वनस्पति युक्त ऐसी ये चेतना, आत्मा की यह चेतना अपने आप को इस ब्रह्मांड के अंदर में, ये स्थूल जगत के अंदर में वो अपने आप को सीधा सीधे स्टेट के अंदर में खड़े, सीधे खड़े रूप के अंदर में, या लंब रूप आसान की स्थिति में, अन्न भुवन में अपना अस्तित्व जो है वह दृढ़ता से वह स्थापन करती है। सेकंड हो गई, सेकंड। और फिर इसके लिए उसको किसी का सहारा लेना पड़ता है, या जमीन का सहारा लेगा, या समुन्द्र के अंदर में होगा तो समुन्द्र के बॉटम तक जो भी है उसका सहारा लेगा। जो इसीलिए आप हम देखते हैं कि समुन्द्र के अंदर में जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर में वो शैवाल आता है कि नहीं, वो वहाँ से वो स्टार्टिंग होती है। एलजी क्या बोलते हैं उसको, वो वहाँ से वो स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में जमीन पे आएगा, और उसके बाद में जितने भी पहाड़ है उनके ऊपर में आएगा। वहाँ कौन जाता है डालने के लिए, सीड डालने के लिए कोई जाता है क्या? नहीं जाता है, पर वो तो निकलता तो है ही वहाँ पे। और इसीलिए वह अभी भी वह आधी अचेतन ही है और आधी चेतन है, क्योंकि वनस्पति को हम लोग पानी देते हैं, उसको मैनर देते हैं, और उसका बढ़ती है आगे चल के। तीसरा जो जगत है बाबा कहते हैं कि वो कृमि जगत है, नंबर तीन, यह है नंबर तीन वाला। अब इसके अंदर में
ये जो आत्मा जो है यह स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छिक गति बोलो स्वेच्छिक गति से वह अनुभव प्राप्त करती है। अभी उसको आगे चलना पीछे जाना ये करना वो करना वो उसको आगे है अभी क्या करने का है वह अपने आप को चेतन स्थिति का वह अनुभव करती है वो आत्मा अनुभव करती है। पर आत्मा जो भी अनुभव करती है वो चेतना के द्वारा ही करती है। चेतना उस आदमी उस आत्मा को यह अनुभव देती है कि तुम पत्थर हो ये हो वो हो आदमी हो स्त्री हो पुरुष हो तुम श्रीमंत हो तुम साधु हो संत हो ऋषि हो महाराज हो इसका सभी जो चीज़ है वो चेतना का खेल है। और यह चेतना अनंत चेतना जब तक नहीं बन जाती विदाउट संस्कार तब तक अपने को मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती। ये खेल काय का है बाबा बोलते हैं ये संस्कारों का खेल है और इस संस्कारों को नष्ट करने के लिए आपको अपने बलबूते के ऊपर में इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए आपको सद्गुरु चे पाय धरा फिनिश। वहाँ जाके कोई क्वेश्चन मत पूछो सद्गुरु को नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो उन्होंने बोला है वो सुनो और आगे चलो। और इसीलिए यह कृमि चेतना युक्त आत्मा जो है वो अन्न भुवन में कभी रीढ़ में हड्डी जिसको हम बोलते हैं कभी वो रीढ़ रहित है हड्डी रहित है या कभी वो रीढ़ वाले परिंदे हैं बोलो परिंदे या जंतु बोलो या परिंदे बोलो और इसका अनुभव लेते हैं वो आत्मा चेतना के द्वारा। और वो जो कृमि है उनको कभी दो पैर है तो कभी पेयर्स ऑफ पैर है और अनंत प्रकार के उनके ये है उपजाति है विविध प्रकार की उनकी उपजातियाँ हैं। तो वो कभी उनको पंख होते हैं कभी वो हवा में भी उड़ते हैं कुछ ये है वो थोड़े थोड़े उड़ते रहते हैं इधर उधर और उनको वे स्वेच्छापूर्वक आगे पीछे चल सकते हैं उड़ सकते हैं। तो उनके इसमें वहाँ पे ये सूक्ष्म शरीर जो है उसका डेवलपमेंट अभी धीरे धीरे शुरू हो गया। मन जो है वो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ पर ये सूक्ष्म शरीर के वजह से उनको मोबिलिटी अभी आ गई इधर उधर जाना घूमना जो भी है। और इसी प्रकार से वह कभी कभी वो जल महासागर में रहेंगे या जल में रहेंगे कभी पृथ्वी पे रहेंगे या कभी हवा में उड़ते रहेंगे। इस प्रकार से उनको भी किसी भी परिंदे को पंख भी होते हैं और उनकी अपनी प्रवृत्ति क्या होती है रेंगना मतलब जल्दी जल्दी उन किसी को पैर होते किसी को नहीं होते किसी को दो पैर होंगे तो किसी के मल्टीपल पैर होंगे। इसी प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के जो कृमि जो है हर इसके अंदर में 14 लाख प्रकार उसके होंगे और उसी प्रकार से गुजरते गुजरते वो इतना होने के बावजूद भी वह अपने बलबूते के ऊपर अभी भी स्ट्रेट आसन जो है जैसे हमारा जो ये है रूप जो है उस प्रकार से उनको वह खड़ा आसन जो है वो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी भी उनको प्राप्त नहीं है अभी भी वो जो पृथ्वी जो है जमीन जो है उसी के साथ ही वो चिपक के रहते हैं और यही उनका अपना रहने का ठिकाना और ये सब पृथ्वी के ऊपर पे है। आगे में जो है मत्स्य चेतना युक्त आत्मा अब हर इसके अंदर में इसमें भी 14 लाख प्रकार इसमें भी 14 लाख इसमें भी 14 लाख इसमें 14 इन सारे के सारी स्थितियों के अंदर में गुजरने के बाद फिर हम लोगों को यह मानव रूप मिला। इसलिए कितना महत्व का है ये मानव रूप ये इसमें समझाया गया है। और इसीलिए यह जो मत्स्य चेतना युक्त ये जो आत्मा जो है वो अपनी विविध उपजातियों से अपनी एकरूपता करती है। हर इसमें चेतना ये फॉर्म से एकरूप होती है। हमारी चेतना
ये फॉर्म से एक रूप हो गई, और इसके द्वारा जब भी हम अपना कार्य करते हैं तो वो अनुभव जाता है किसको, आत्मा को। आत्मा ये अनुभव करता है कि मैं पीढ़ी मोफली हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ। आत्मा को ये अनुभव कौन देता है, चेतना देती है। क्यों देती है, क्योंकि उसके ऊपर संस्कार का बर्डन है। सद्गुरु क्या करते हैं, ये संस्कार निकाल देते हैं, चेतना को छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि चेतना फुल हो गई। वो आपको ऑर्डर ऐसे देंगे कि उनको मालूम रहता है कि क्या डेफिशिएंसी है आपके, हमारे पर जिसके सामने जाएंगे तो उनको मालूम पड़ता है, तो बोलेंगे आप ये करो, आप ये करो, ये करो, ये करो, वो करो, और उनकी आज्ञा देने के बाद में अपने को ऐसा लगता है अरे इसमें कौन सा अध्यात्म आ गया, इसमें ना मेडिटेशन है, ना कॉन्सेंट्रेशन है, ना कुछ है, ना कुछ है, ध्यान नहीं, धारणा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलते हैं मेरे यहाँ पे एक काम करो, वो पहाड़ जो है वहाँ के नीचे से पानी लेके, वो जो हंडा भर पानी लेके उसको भरो, ऊपर में जो कुआ है उसमें डालते रहो, दिन भर यही काम, आप इसमें कौन सा अध्यात्म। पर यू ओबेड दी मास्टर, ओबे किया, इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम शुरुआत करो, उसका एंड क्या होगा ये मुझे मालूम है, मैं सोचूंगा क्या करना है और कितने इसमें तुमको मुक्त करना है। तो इसीलिए जो भी आज्ञा का पालन कोई भी सद्गुरु देते हैं उसका पालन हमको करना चाहिए तंतोतंत्र। और जिसकी जैसी योग्यता होगी उसी प्रकार से उसका सद्गुरु मिलेगा। पर अवतार कार्य के अंदर में जब भी अवतार है तभी ये बातें कुछ नहीं। आप कितने भी गंदे हो उसको स्वीकार अवतार करता है, कितना भी हो, कुछ भी हो, ये नहीं बड़ी। इसीलिए मैं हमेशा सोचता था कई सालों से कि ये सारे सद्गुरु जितने हैं इनमें इतनी शक्ति है कि एक नया विश्व निर्माण करे, विश्व, और उसको चलाए। तो ये क्यों बोलते हैं कि राम का नाम लो, राम की पूजा करो, अरे तुम्हारी पूजा करेगा तो वही मिलेगा जो राम से मिलेगा। तो आप ये क्यों नहीं बता रहे कि मुझे मेरी पूजा करो और मेरे को मानो और मेरी आज्ञा का पालन करो। हम नहीं करेंगे, पर हमको अगर ये बताया गया गुरु ने कि राम का नाम लो तो हम ले लेते, कृष्ण का नाम लो तो ले लेते। क्यों, क्योंकि वो अवतार है। तुकाराम महाराज क्यों पांडुरंग का नाम लेने को बोलते हैं, अगर वो ये कहते कि मेरा नाम लो आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाता 100%, नो डाउट, क्योंकि अवतार इज अवतार, सद्गुरु ही सद्गुरु, दे नो डाउट। इसीलिए बावलते कि यह जो मैंने आपको बताया बावलते, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी आंखें खुले बगैर रहेगी नहीं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है, टाइम आ गया है। इसीलिए ये मत्स्य जगत जो है, और इसीलिए विविध उपजातियों से अपनी एकरूपता करते हुए वह अन्न भुवन का, मतलब ये ग्रॉस वर्ल्ड को अपने मराठी में अन्न भुवन कहते हैं, अपने वेदांत में से अन्न भुवन। तो विविध जातियों का, विविध उपजातियों का, विविध प्राणियों के रूप के साथ में एक रूप होते हुए, उनको उनके साथ में सहचार्य करते हुए, उनके साथ में संबंध रखते हुए, वो अपना जीवन जो है मत्स्य जो है वो अपने, उनको पंख होते हैं तो वहाँ पे वो तालाब में, नदी में, पानी के अंदर में वो रहते हैं, और उनके अपने पंख भी होते हैं, फिन्स भी होते हैं, और उनको सभी जीवात्माओं को अपना जीवन की रक्षा करने के लिए और संघर्ष करना पड़ता है, सभी को संघर्ष करता है। वो कीड़ा मकोड़ा मुंगी से लेके जानवर तक जितने भी है सबको अपना डिफेंस कैसे करना ये सबको मालूम है। हाँ, अगर वो हरिण को अगर वाघ दिख गया तो वो जो भागती है, क्यों, कि उसको मालूम है कि अपना डिफेंस कैसे करना। और वो गुण सारे गुण इस मानव रूप के अंदर में है। और इसी प्रकार से वह, उनको भी ये आदत है कि जैसे हम लोगों को
अपना शरीर ऊपर करके देख सकते हैं, ऊपर करते हैं, वैसे वो कोई भी प्राणी हो वो नहीं करते, ऊपर नहीं करते हैं। सिर्फ एक जो है पशु योनि के अंदर में जो मंकी जो है, जो 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 बंदर जो है, वही एडवांस पशु जो है उसको वो आदत है कि वो खड़ा रह सकता है और अपने जैसे बर्ताव कर सकता है, पर वो भी उतना डेवलप नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलप होता है। और इसी प्रकार से आगे की जो योनि जो है, मत्स्य योनि के बाद में जो पंछी वाली योनि जो है, बर्ड्स योनि जो है, उसके बारे में अनेक प्रकार के अनुभव लेने के साथ में ये चेतना जो है इस वो आगे आगे बढ़ती जाती है, अनेक रूपों से संबंध लगती है, उसको तोड़ देती है, फिर संबंध लगती है, और इस प्रकार से चेतना की वृद्धि होती है। और कभी ये पशु ये जो है ये रीढ़ वाले परिंदे होते हैं, होने के कारण वो हवा में भी उड़ सकते हैं। पंछी जो है, पक्षी जिसको हम बोलते हैं, पंछी जो है वो उड़ते रहते हैं, दो पैरों के ऊपर में वो खड़े रह सकते हैं और अपना जीवन वो बिताते हैं इस धरती के ऊपर में। उनको भी अपने सेफ्टी के लिए, अपने के इसके लिए उनको भी संघर्ष, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि भी वो चींटियाँ जाती है, ये जाती है, उनको मालूम रहता है कि बरसात आने वाली है तो जस्ट स्टोर करके रखो, अपने बच्चों के लिए कैसे संगोपन करना, यहाँ से वो शुरुआत हुई है। उनको भी समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनको है। और इसी प्रकार से और उनको दो पैर के जगह वो अपने इस धरती के ऊपर में वो खड़ा रहने के लिए, पूरा स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए उसमें वो सामर्थ्य उसमें आता है पक्षी के इसमें। और इसी प्रकार से पशु जीवन और मानव जीवन की भी, पशु जीवन की ये है वो ये है कि बंदर ये अत्यंत विकसित प्रकार का पशु है और वे मनुष्यों के समान सीधे खड़े होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। बाकी के जितने जानवर हैं जिनको चार पैर वाले जितने भी हैं वो सभी के सभी कोई खड़े नहीं रह सकते, चार पैर के ऊपर में भी आते जनरली, पर उसके बावजूद भी वो अपना सर ऐसा पूरा नहीं करते, उनका जो सर होता है वो हमेशा ऐसा झुका रहता है, डाउनवर्ड उनको देखते हैं, डाउनवर्ड हमेशा इस प्रकार के देखते हैं। इसी प्रकार से मानव आखिरी में आएंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया अपना भी, मनुष्य योनि में आदमी का ये चेतने का विकास पूर्ण हो जाने की वजह से अंतिम मानव योनि में यह चेतना का विकास पूरा हो गया और यह चेतना ये भरपूर है, पूरी है। अभी इसके बाद में और योनि का और विकास नहीं होता है, सेवन स्टेज में आ गए, चेतना परिपूर्ण है, मानव रूप में जो जीवात्मा है उसकी चेतना जो है, और मानव प्राणी जो है वह जन्म लेता है। जैसे मैंने जब भी बताया तो बाबा ने वही लिया कि कोई भी आत्मा जब भी मानव रूप में आता है, जन्म लेता है, तो वो कैसे पहले स्टोन फॉर्म के अंदर में लेटा हुआ रहता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है। इसी प्रकार से आत्मा की यह पूर्णता विकसित मानवीय चेतना अंततः अन्न भुवन में अपने अस्तित्व का दृढ़ स्थापना सीधे खड़े होकर करती है और इसी स्थिति के द्वारा, इसी ढांचे के द्वारा, इसी रूप के द्वारा उससे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यहाँ पे ये चैप्टर जो था वो ख़त्म हो गया, संक्षिप्त में मैंने बताया और तो जो सदगुरु रूमी थे उन्होंने क्या कहा वो बताया। और तो ये ऑलरेडी दो चैप्टर नंबर दो में ये हुआ है, पर अब की बार उसको फिर से संक्षिप्त में बाबा ने बताया कि उसमें क्या विशेष गुण धर्म है उसके अंदर में। तो अगला जो है वो महत्व का है वो है पुनर्जन्म और चेतना का संस्कार रहित समतुलत्व, ये इसके ऊपर में वो चैप्टर नंबर फोर है, इसलिए हमने ये चैप्टर नंबर थ्री जो है वो एक इसमें निपटा दिया, क्योंकि ऑलरेडी दो नंबर में मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया ही है, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर में भरने दिया, शॉर्ट में हमने इसको लिया है। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।